देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ डेट है, कलर है ना, स्टेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, सम, सम इफ, सम इफ्स, है ना, में क्या अंतर होता है। फिर सीखेंगे काउंट का जितना भी वेरिएंट होता है, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स। बात समझ में आ रहा ना? तो स्टूडेंट बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको एक ही में, आपको बहुत सारा एक ही क्लासेस में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा फंक्शन का। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हमको सभी को ऐड करना है ना, आप सभी को ऐड करना, हम पहले सम का वेरिएंट बताना है, सम का, है ना। सम का यूज क्यों करते हैं, जब कोई लगातार जोड़ना होता है ना तो सम का यूज करते हैं। कैसे, इक्वल टू सम कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट, और ई का कॉलम है और रो नंबर यहाँ पे कितना से है, टू से है, तो यहाँ पे ई टू हो जाएगा। और लास्ट रेंज कहाँ तक ऐड करना है, ई का नाइन तक, तो यहाँ पे कॉलन लेंगे और ई का यहाँ पे क्या लेंगे, नाइन लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया सम। फिर सम इफ का यूज कब करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको सभी को ऐड नहीं करना, ओनली फॉर रेड कलर है उसी का टोटल ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू सी ओ, हाँ ना, सी ओ बोलते हैं, एस यू एम आई एफ। सम इफ का यूज क्यों करते हैं, ऐड द सेल स्पेसिफाई गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, मतलब अगर कोई कंडीशन हो कि ऐड करना है बट हमको सभी को ऐड नहीं करना, जो है ना रेड कलर का है उसी को ऐड करना। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इफ लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसमें तीन पैरामीटर मांगता है, पहला क्या है स्टूडेंट यहाँ पे रेंज है, दूसरा क्या है क्राइटेरिया है, और तीसरा क्या है सम रेंज है। पहले हम आपको रेंज दे देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बी टू से लेकर बी नाइन तक। फिर यहाँ पे कॉमा, कॉमा एक सेपरेटर का काम करता है, जो अलग करने का काम करता है। और यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, रेड, तो यहाँ पे रेड लिख देंगे। क्या ये स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में लिखे हैं, क्या आएगा, ऑफ कोर्स स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज देंगे और इंटर कर देंगे, ये देखिए आपका आएगा। अब ग्रेटर देन 50, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है सभी को ऐड करना था तो सम लगा दिए, लेकिन वैसा वैल्यू को ऐड करना है जिसका है ना अमाउंट 50 से एबव है, यहाँ पे टारगेट यही है मेरा, तो 50 से एबव मेरा 82 वाला है, 72 वाला है, और यहाँ पे 51 वाला है। तो ये तो तीन है, लेकिन मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में डेटा रहेगा तो कैसे ऐड करें, यहाँ भी सम इफ वाला भी फॉर्मूला लगाएगा, सम इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज लेंगे और फिर कॉमा करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 50 देंगे और ब्रैकेट को स्टूडेंट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, ये देखिए आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं रेड और टीएक्स का टोटल अमाउंट निकालना है, किसका निकालना है, रेड और टीएक्स का स्टूडेंट, इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सम इफ्स कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक से अगर ज़्यादा, देखो सम इफ में क्या अंतर है और सम इफ्स में क्या अंतर है, सम इफ कोई एक कंडीशन के साथ अगर ऐड करना होगा तो सम इफ का यूज करेंगे, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है, इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन है तो रेड भी देखना और उसके सामने टी एक्स रहेगा और उसी का टोटल अमाउंट ऐड करना, और सम इफ में क्या था, रेड और बस अमाउंट था, इसमें अगर मोर देन वन कंडीशन का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भी देखिए डेफिनेशन में, एड द सेल स्पेसिफाई बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्या, सेट ऑफ कंडीशन का मतलब क्या होता, कंडीशन का भरमार नहीं, सेट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा लोग बोलते हैं, तो सेट ऑफ कंडीशन मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा, कंडीशन एक से ज्यादा कंडीशन होगा, चाहे दो हो सकता है, दस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, सम इफ्स यूज करते हैं। अगर हम लोग एक कंडीशन से ज्यादा के साथ ऐड करने की बात होगी, सम करने की बात होगी, तो सम इफ्स का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या मांगता है, सम रेंज मांगता है, सम इफ में पहले रेंज फिर क्राइटेरिया फिर सम रेंज, और सम इफ्स में क्या मांगेगा, पहले सम रेंज, सम मतलब जोड़ना किसको है, तो हमको यहाँ से ई टू से लेकर क्या होगा, ई नाइन होगा, कॉमा, और यहाँ पे रेंज ले लेते हैं, यहाँ पे रेंज देखें, फिर यहाँ पे समरेंज लिए, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, मेरा पहला कंडीशन क्या है कि इसमें से है ना बी टू से लेकर बी नाइन में, और हमको क्या ढूंढो यहाँ पे, रेड ढूंढ के दो, ठीक है, फिर कॉमा, फिर क्या क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू में यहाँ पे सी टू से लेकर सी नाइन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या ढूंढ के दीजिए, यहाँ पे टी एक्स ढूंढ के दीजिए, और यहाँ पे इस तरीके से क्राइटेरिया थ्री, रेंज टू, रेंज वन, रेंज टू, इस तरह का चलते जाएगा, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज फोर, इस तरीके से क्राइटेरिया रेंज एन तक स्टूडेंट चलते जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये देखिए आपका हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ पे ब्लू, वैसा ब्लू डेटा हमको ऐड करना है जिसका वैल्यू 50 से ज्यादा। हाँ, इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है कि वैसा ब्लू जिसका वैल्यू 50 से ज्यादा है ना। यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे किसको करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स कर देंगे है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेते हैं सम रेंज। सम रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, E2 से लेकर E9, सम रेंज वह रेंज होगा जिसको आपको ऐड करना है, फिर कॉमा, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में यहाँ पे हो जाएगा B2 से लेकर B9, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लेते हैं BLUE, ब्लू हो जाएगा, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में हो जाएगा ये, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 50, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, बच्चे आपका आ जाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये था सम, सम इफ और सम इफ्स का यूज। अब हम लोग सीखते हैं किसका यूज स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें सीखेंगे स्टूडेंट यहाँ काउंट से रिलेटेड। यहाँ पे काउंट, COUNT, काउंट, एक होता है काउंट, दूसरा होता है काउंट ए, तीसरा होता है काउंट ब्लैंक, फिफ्थ है ना, काउंट से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू COUNT लिखते हैं, देखिए काउंट जब लिखते हैं तो काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, सब चीज सीखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। सबसे पहले हम काउंट, काउंट का सर काम क्या होता है, काउंट क्या करता है पता है आपको, यहाँ पे देखो डेफिनेशन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर दैट कंटेन नंबर। वैसा बॉक्स को ये काउंट करेगा जिसमें खाली नंबर कंटेन करता हो, मन नंबर रखता हो, मतलब समझा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इक्वल टू करते हैं COUNT काउंट, ले लिए ब्रैकेट ओपन, और हमको इसको इस तरीके से लिख दिए, ध्यान से समझो यहाँ पे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो इसमें से बताओ जो हम रेंज सेलेक्ट किए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया ना, ये पूरा सेलेक्ट किया, और इस रेंज में कितने अल्फाबेट हैं, तो इधर वाला अल्फाबेट है सर, इधर वाला क्या है नंबर वैल्यू है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इधर भी कोई रहता तो उसको भी, तो ऐसे 8 है, इंटर में क्या आएगा 8, मतलब वैसे कितने बॉक्स है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ, वैसे सेल को ये क्या करता है, काउंट करता है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल सेल को ओनली काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, काउंट है ना, काउंट के बाद यहाँ पे था COUNT काउंट ए, काउंट ए से क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब जो खाली नहीं है उसको ऐड करें, खाली नहीं का मतलब भरा हुआ हो, चाहे कोई भी हो, काउंट ए का मतलब हो गया, जैसे मान लो बच्चे इसको हम यहाँ पे किए, ये देखो यहाँ पे, तो ये काउंट ऐसे, ये देखो सभी को काउंट करेगा खाली ब्लैंक को छोड़कर है ना। यहाँ पे काउंट ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है काउंट ए, तो काउंट ए करता क्या, इसको हम फिर से हटा के लिखाते हैं, बताते हैं, काउंट द नंबर सेल इज रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, एम्प्टी बस खाली नहीं होना चाहिए, बाकी स्पेस रहेगा तब भी काउंट कर देगा, स्टार रहेगा उसके अंदर काउंट कर देगा, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ये देखो इसमें 8 क्यों आया, क्योंकि इस देखो यहाँ पे ब्लैंक कर दो, डिलीट कर दो, देखो यहाँ 7 आ गया, लेकिन इसमें गलती से तुम्हारा स्पेस दे दो तब भी वो 8 ही देगा, चाहे तो अंडर स्कोर भी दे दो, मतलब क्या समझ में आया, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता, मतलब ब्लैंक बस नहीं रहना चाहिए, वहां पे कोई भी बैठा है चाहे किसी भी प्रकार का, वो आपको काउंट कर लेगा। तो समझ में आया, काउंट का काम होता है न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए, जबकि काउंट ए का काम होता है नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करने के। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक, क्या है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है बच्चे, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे कोई डेटा है उसमें से हम चाहते हैं कि नहीं हम लोग के कितना सीट खाली रह गया तो उसको काउंट करना, तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जैसे हम जो रेंज देंगे, अभी तो मैं छोटा रेंज है इसलिए छोटा दे रहे हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये ब्लैंक, इसमें कितने सेल ब्लैंक है बच्चे, तो एक है, और यही काउंट कर दिया। अगर मान लो कहीं दो डिलीट कर देते हैं दो सेल, और गलती से मान लो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ये ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक दिख रहा बट है नहीं, ये वाला सेल ब्लैंक नहीं है क्योंकि हम इसमें क्या दे दिए हैं स्पेस दे, ये वाला सेल है वो ब्लैंक देगा, बात समझ में आ रहा है, मतलब कई साहब कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि ब्लैंक है बट ब्लैंक नहीं, उसमें कुछ रहेगा, बात समझ में आ रहा है, तो हम योग यहाँ समझ में आ गया, काउंट का यूज सीखे, काउंट ए का यूज सीखे, काउंट ब्लैंक का यूज सीखे। नेक्स्ट सीखते हैं काउंट इफ, क्या है स्टूडेंट काउंट इफ, काउंट इफ का यूज क्यों करते हैं, जब कोई कंडीशन के साथ गिनने की बात हो रहा है, काउंटिंग करने की बात होती है, जैसे अगर हमको चाहना है कि इसमें, इसको हम ऐसा करते हैं ना,
इसमें रेड लिख देते हैं इसमें, और इसमें ब्लू लिख देते हैं, ठीक, कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम चाहते हैं रेड इसमें से कितना है उसको काउंट करना, रेड कितना, यहाँ पे क्या लगेगा, सी ओ यू एन टी आई एफ काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें दो पैरामीटर मांग रहा है, एक रेंज है और दूसरा क्या है, क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये ले लेते हैं और कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, रेड लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे ना कि रेड के जगह पे यहाँ पे बैक करें और इसका एड्रेस ले लें तब भी ये चल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जी टेन हम लिया और जी टेन एड्रेस पे कौन सस्टेन कर रहा है, रेड सस्टेन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये भी वही चीज़ें हुआ और ये आपका आ जाएगा। हम चाहते हैं ग्रेटर देन 50 के ऐसे कितने वैल्यू है, कितने, हाउ मैनी, मतलब हम काउंटिंग करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल टू सी ओ यू एन टी आई एफ काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ये लेते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। रेड एंड टी एक्स, क्या बोला, रेड एंड टी एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, एक से ज्यादा कंडीशन, मतलब हमको देखना क्या है कि इसमें जिसमें रेड और टी एक्स हुआ एक नंबर हुआ, एक मतलब काउंटिंग करेगा, रेड तो है बट यहाँ टी एक्स नहीं है तो इसको हटा देगा, मतलब रेड और टी एक्स एक साथ कितना है, तो देखो तो एक से ज्यादा आना, अगर मान लीजिए कि आपका काउंटिंग करने की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे काउंट है ना इफ्स लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चे यहाँ पे, काउंट इफ्स। काउंट इफ का यूज क्यों लगेगा, जब कोई एक से ज्यादा है ना कंडीशन हो और उसको गिनना, उसको काउंटिंग करना, बात समझ में आ रहा ना। हम जैसे बोल दिए मेरे पास डाटा ऐसा रहता है कि इसका जिसका एज इतना से ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन ये है, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा कंडीशन हो रहा है कि नहीं, वैसे बच्चे को काउंट करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, काउंट सिर्फ क्राइटेरिया रेंज वन, इसमें सम नहीं होता है, जोड़ने की वाली बात नहीं है, तो क्राइटेरिया रेंज वन क्या होगा, रेड, तो यहाँ पे ये ले लेंगे कलर, और इसमें हमको क्या ढूंढना है, इसको रेड, ठीक है ना। रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसमें से रे मतलब क्राइटेरिया मतलब उसमें से यहाँ तक मैं ये वाला ढूंढू, क्राइटेरिया रेंज टू क्या होगा, इसमें होगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। अच्छा ब्लू, वैसे ब्लू जो 50 से ज़्यादा है, इक्वल टू करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं सी ओ यू एन टी आई एफ एस काउंट इफ्स, और यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे ले कॉमा लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी एल यू ई ब्लू होगा और फिर कॉमा, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज ये हो जाएगा है ना टू, और इसके अंदर क्या ढूंढना है बच्चे, ग्रेटर देन 50, ये आपका। तो आज की क्लास में हम लोग सीखें सम, सम इफ है ना, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स। आई होप समझ पाए होंगे। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया।